वेलकम बच्चों, क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस तो डेट सत्तोवुह मे जास अकू तो बच्चों टॉपिक सून द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर सराउंडिंग्स उस चैप्टर कराव स्टार्ट तो अत रीडिंग करा रात पढ़ा अस बच्चों एडाप्टेशन तो बे पढ़ा हैबिटेट। क्या गो हैबिटेट बच्चों? हैबिटेट गो डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कह इंसान ये कह जानवर रोजा आज तथ तम सी मकानस अंद पे रोजन जाए अंद पे जाए चीज तथ सी क्या वन तथ प्लेस क्या वन आगे तम सराउंडिंग्स तथ वन हैबिटेट। ठीक है बच्चों, इथे कन बच्चों एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या गए? एडाप्टेशन गई द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टन हैबिट्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। दपा कि फीचर्स यम हस एकिस प्लांटस या एनिमल्स मदद च करा कुन एनवायरनमेंटस मन्ज कुन पर्टिकुलर एनवायरनमेंटस मन्ज सर्वाइव करनस मन्ज जिंद रोजनस मन्ज कुन एनवायरनमेंटस मन्ज कुन सराउंडिंगस मन्ज तथ क्या वन एडाप्टेशन। ठीक है बच्चों, तो वह पढ़ो अस आज अमे ब्रो वह डू यू नो पेज नंबर बच्चों 83। डू यू नो there are some changes that can happen in an organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surroundings. For instance, if we live in the plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains. After some days, our body adjusts to the changed conditions on the high mountain. Such small changes that take place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to changes. क्या छुना बच्चों? दबा चिके तो छुआ पता? दबा चिके सम चेंजेस क्या गसा कि असन बॉडी में कि चेंज इवा क्या ये टाइम यम सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अस गसा छ टाइम छ गसा टाइम स छ अस क्या इवा अस मन छ चेंजेस इवा अस छ पनन पान एडजस्ट करा पन सराउंडिंग्स यम अन पद अस चीज आसन जाय आसन तमे हिसाब छ सई बॉडी क्या करा एडजस्ट करा। दपा अगर तई सपोज तई छ मैदानी इलाकस मन रोजा अगर तई पहाड़स पेट खसु अगर तई पहाड़स पेट खसु अस क्या गस अस क्या छ गसा अस छ गसा क्या गडकिन दोहन छ गसा अस दम पकनस मन अस शांश खसा बेच गसा प्रॉब्लम अस छ हेकथ रोजा एक्सरसाइज करनस यस छ हेकथ रोजा कह लेकिन दपा यम सा पाँच दह दो वह दो नफर हर बन करा पे बॉडी तम समी हिसाब एडजस्ट करा पे तेस बसानी सह पहाड़स पे खसा अगे चुरंग तुला तो खसा पहाड़स तेस बसानी क्या तम सॉडी तिथे कन पत क्या करा एडजस्ट करा तम सॉडी हज ये ऑक्सीजन इनटेक रेट क्या बढ़ा सह क्या जल्दी जल्दी शाह ना तम ये एडजस्ट करा बॉडी एडजस्ट करा तमी हिसाब क्या तेस पिथे हूं फिजिकल एंडोरेंस तो बढ़ा तमिक स्टेमिना बढ़ा सह पहाड़स पे हाँ खसित एक जन अस वनो खसु पहाड़स अस हको ना गोड़ खसित अस खे शांश अस हको ना अस पकनी ना जंग लेकिन यम सा अस पाँच शे चक्कर वार शे दह वु चक्कर करो अकुमी चक्कर डवो अस क्या बन स्टेमिना सी बॉडी कर एडजस्ट अस लगे पता कि अस कित खसन हर। ठीक है बच्चों, बूट क्यों लगन पलो कित लगन क्या गत त्रेश गई गरम त्रेश गा ठंड त्रेश गा सोरे चीज बे पनी बॉडी यु सू कर एडाप्ट तथा एनवायरमेंटस। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 83 वह पेज नंबर 84 क्या वन बच्चों द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्लिमटाइजेशन। क्या उस गो पचमिस पेजस पे पेड़ बे दपा सच स्माल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड्स टू ओवरकम स्माल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। क्या गो एक्लिमेटाइजेशन? क्या गो एक्लिमेटाइजेशन गो कि सानी बॉडी में चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू एडजस्ट इन पर्टिकुलर सराउंडिंग्स टू एडजस्ट इन पर्टिकुलर सराउंडिंग्स मतलब वेदर यू एनवायरमेंटस मन अस पन पान एडाप्ट करने खातर तथ क्या वन एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, एक्लिमेटाइजेशन पत क्या वन दपा दी चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द एडाप्टेशन दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। दपा इम चेंजेस आसान डिफरेंट फ्रॉम एडाप्टेशन दैट इम क्या इम सास बजो वरियो पत दपा द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Ponds, swamps, lakes, rivers and oceans are some examples of aquatic habitats. There are large
variations in forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. This is true for all aquatic habitats as well. The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic components. Various non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. Sunlight and heat also form abiotic component of the habitat. We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants. Kya chhona bacho? Dapa yim plants animals hasa che ichi important yaad thajo. They that live on land. Dapa yim zameen as pet roza che. Chahe kul che, chahe janwar che, chahe insaan che. Yus zameen as pet roza che, yim land as pet roza che, timan che ka, tim kath habitat as man che roza. Tim che roza terrestrial habitat as man. Samu chahe ma? Yim zameen as pet asan roza, tim che roza terrestrial habitat as pet. Example kya che? Suppose jungle che. Grassland goi, sirf gas ye thi, gas hai gas hai. Desert che. Coastal and mountain regions. Ye che sorry, pahadi ilaq ya coastal regions go beach ye samundar asan samundar pet yim kinar ch asan ye zameen ay zameen as pet ye ch kaath yus jeev jantu roza ch chahe plant ch animal ch tim kya ch te kaath pet ch roza terrestrial habitat as mans thik cha bacho to yim plant te animal abas mans ch roza timan kam taat kam tim kaath habitat as mans ch roza aquatic habitat as mans for example go ponds lakes rivers oceans yim kya gay aquatic habitats दपा कि इथे कन हसा छ क्या देयर आर लार्ज वेरिएशंस दपा आइत हसा छ वारिया डिफरेंस इमा काथ मस फॉरेस्टस मस ग्रासलैंड डेजर्ट कोस्टल एंड माउंटेन रीजंस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एक्वेटिक हैबिटेट्स एज वेल दपा कि डिफरेंट एक्वेटिक हैबिटेट मन छ आसा डिफरेंट डिफरेंट यूस गॉड ये थी आइस कशीर मस लबने ये सु इन जेमिस मस लबने कि सु इन कर्नाटकास मस लबने कि सु इन केरलास मस लबने कि अलग अलग छ आसा इथन आछ वना कशीर गॉड हसा छ दपा छ कि द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट वुच इज अ हैबिटेट क्या गो सारे खोद गड़त हैबिटेट गो डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये कहाँ इंसान ये कहाँ जानवर ये कहाँ कुल आस रोजा तथ क्या इवान वन हैबिटेट दपा हैबिटेटस मन हसा जी चीज आसा मेन अ गो बायोटिक कंपोनेंट ब्या गए एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट गए कम चीज यम लिविंग फैक्टर्स आसन यम जिंद फैक्टर्स आसन यम जू आस तो नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या गए तम गए एबायोटिक कंपोनेंट दे कॉन्स्टिट्यूट द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट वनु सा बायोटिक कंपोनेंट्स क्या गए तेल बायोटिक कंपोनेंट्स गए प्लांट्स एनिमल्स यम हैबिटेट्स मन रोजान एबायोटिक कंपोनेंट्स गए रॉक्स सॉयल मेच हवा आब यम गए सारी क्या यम च बना एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट दपा सनलाइट गए गो आफ्ताब जम गर्मी ये क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट ठीक है बच्चों दपा वे पत् पारण वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स दपा कि लकुट लकुट बिहोल वा तम मन ना कुल दपा लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स दपा वलू सा अस पो कि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक फैक्टर्स इन मन जू छ सपोज सनलाइट हीट वाटर आयर इन हूं क्या इफेक्ट पे अमिस बेलिस पे कि यह कन्वर्ट कत मिस कुलिस मज ठीक बच्चो आज थो युत बच्चो ये एक्टिविटी टू पो पगह ठीक बच्चो तो बाकी मे पूरी उम्मीद तुम समझ आमुत बाकी तुम बिहू गर्म स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू बच्चो शुक्रिया।